वी आर ऑन द वे, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है और अभी हम दमाम से निकल रहे हैं और अभी हमें पहले सिम लेनी है, हम सिम लेंगे फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और कुछ बच्चों का सामान लेना है वहाँ से निकलेंगे। तो भाई सबसे बेसिक एलिमेंट है कि हम सिम निकलवा लें, तो हम जैन के ऑफिस आएँ, अब यहाँ से सिम लेंगे बाजी की ताकि हमें आगे आसानी रहे, तो हम जैन के ऑफिस जा रहे हैं ताकि सिम ले सकें। After 5 minutes it will be active, huh? Yeah. But it is working right now? Register after 5 minutes. Register after 5 minutes. Okay, okay. SIM ले ली है and अब क्या नाम है, उसने कहा कि अभी नहीं चलेगी, 5 मिनट बाद क्या चलाएगा, तो बस अब गाड़ी में जा रहे हैं, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। चाय पियेंगी? नहीं। चले यार जरा मैं चाय लेकर आता हूँ, पेट्रोल डलवा लिया हमने और हम लोग रियाद की तरफ हैं। अभी पेट्रोल स्टेशन पे रुके थे सर की नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ हमने पढ़ ली है और चले लेट्स गो, चाय लेकर आते हैं। बहुत ज़बरदस्त ठंडक हो रही है, बादल चेक करें आप ज़रा। लेट्स गो एंड हैव टी, क्योंकि इस ठंडक में चाय का जो मज़ा है ना वो अलग ही है। सलाम अलैकुम ब्रदर वाहिद टी। वही ये देखें कितना बेहतरीन उन्होंने दीवानियाँ बनाया हुआ है, ये दीवानियाँ कहलाता है, हाईवे पे इस तरह के बहुत होते हैं, यहाँ पे आप आराम से बैठ के चाय पिए, आप अपनी फैमिली के साथ अगर हैं तो यहाँ बैठ जाएं। इनफेक्ट आप यहाँ से थर्मस खरीदें हाथ के हाथ, और हाथ के हाथ थर्मस खरीद के इनसे चाय भरवा लें। ट्रैवलिंग, लेट्स गो। देयर इज अ वेरी गुड शॉप, यहाँ पे काफ़ी कुछ मौजूद है, तो हम रास्ते के लिए कुछ लेते हैं ताकि ज़रा हमारा सफ़र अच्छा कटे। कम फ्लू दादा, बोलो 20 मुमकिन, नुस किलो अशर हो गया। तो ये हम ले लेंगे ना, तो रास्ता ज़रा अच्छा कटेगा। आना रो मक्का, मक्का उमरा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मे अल्लाह एक्सेप्टेड। हाजा कम फलूस, 20 रियाल, मालूम उर्दू? ओके बोल बोल। अंदर से गंदा हो गया। तो भाई हमने बीज ले लिए और चाय ले ली। भाई इन बीज का एक फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि आप इंगेज रहते हैं उसमें ना, मतलब खाते रहते हैं तो आपको नींद नहीं आती, और एक नुकसान है, नुकसान ये है ये बीज जो है ना गंदगी बड़ी मचाते हैं, पूरी गाड़ी गंदी है। तो अभी मैं ये चाय का कप मेरा खाली हो जाएगा तो फिर हम इसको एज अ डस्टबिन यूज़ करेंगे टू कीप द छिलका। और ये देखें, ये देखें हमने यहाँ पर थोड़े बहुत जमा किए हैं, अब ये कचरा जमा हो रहा है ताकि फिर एक साथ इसको डिस्पोज कर लेंगे। चल रहा है सफ़र, अब 4 बज गए तकरीबन, एक्जैक्टली 4 बज गए और हम अभी रियाद नहीं पहुँचे, तो लेट्स सी कैसे सफ़र गुजरता है और क्या होता है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि हमने पेट्रोल डलवाया है और कब ज़रूरत पड़ेगी, लेट्स सी कब ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी तो करीब से कितनी गई है? तो भाई अभी हम लोग 130 की स्पीड पे चल रहे हैं और जो स्पीड लिमिट है वो 140 है, तो अभी हम लोग 130 के ऊपर है हमारी जो स्पीड है इस वक्त, लेकिन अभी 140 पे अभी चली जाएगी, फिर मैं क्रूज़ लगा के आराम से इंजॉय करूँगा मौसम को और चाय को।
जो है ना रियाद आई के नाम से मशहूर है, हमने अपने तौर पे इसका नाम रखा है। ये बेसिकली हाउंटेड प्लेस है, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सी मिथ्स हैं इसके बारे में, टिकटॉक पे काफ़ी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर कि ये प्लेस किसी मतलब गैर मरी मखलूक की वजह से ये जो है जगह बंद कर दी गई है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है काफ़ी सालों से। तो खैर मैं भी देख रहा हूँ 8-10 सालों से पिछले, मैं भी देख रहा हूँ जब भी रियाद जाते हैं पढ़ता है। आई डोंट नो कि इसके पीछे कितनी सदाकत है, लेकिन बहरहाल ये है। और आज भी को लग रहा है अमावस का दिन है क्योंकि सूरज जो है बिल्कुल देखें बिल्कुल उसमें तपिश ही नहीं है, इतना क्लाउडी हो रहा है कि सूरज जो है नज़र ही नहीं आ रहा। गाड़ी क्या करूं ये बताओ। खैर मेरे पापा कहते हैं कि कर्टिसी होनी चाहिए और ये कर्टिसी देने के चक्कर में इसने यहाँ से गाड़ी निकाल ली। गुड मैन, मैं इसको जगह देने वाला था और ये ब्रेक मार रहा है। स्ट्रॉन्ग भाई, सनसेट हो गया और हम पेट्रोल डलवाने रुके। 91 कर दो यार फुल, 91 फुल कर दो। तो अपना पेट्रोल देखते हैं अब कितना आता है। अभी तो खैर काफ़ी आधा ही टैंक हुआ है लेकिन हम एहतियातन डलवा रहे हैं। सफ़र सुकून से गुजरा है। हम लोग रियाद में एंटर हो रहे हैं, अब हम रियाद चेक पोस्ट पहुँच गए और जो सामने गाड़ी जा रही है ना ANE 502, इसको नोट कर लो। अभी मैं बताऊंगा इसके पीछे स्टोरी क्या हुई है। अभी इससे पहले तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर पहले इसके साथ क्या स्टोरी हुई मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन बहरहाल अभी हम रियाद की चौकी को पार कर रहे हैं और वी आर इन द रियाद नाउ ऑफिशियल। The bus, the Nabita.